हे गाइस नमस्कार, आप लोगों का टॉप 10 क्लासेस के प्यारे से यूट्यूब फैमिली पर स्वागत है। गाइस आज की लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं कक्षा 12 की भौतिक विज्ञान की सेकेंड भाग के फर्स्ट चैप्टर की, यानी हम प्रकाशिकी का चर्चा कर रहे हैं। प्रकाशिकी की जो फर्स्ट वीडियो थी वो आपको, अगर आपने वो देखा होगा तो अच्छी बात है, अगर नहीं देखा होगा प्यारे बच्चों तो वो वीडियो जाके आप जरूर देखिएगा, क्योंकि वहां पर हमने बेसिक से चीजें बताई है। आज भी वही क्लास को हम लोग कंटिन्यू करने वाले हैं, मतलब उन्हीं उसी के आगे की क्लास को हम लोग आगे बढ़ाएंगे। आज हम सीखेंगे दर्पण क्या है, दर्पण के प्रकार क्या है। दर्पण के प्रकार जानने के बाद आप सीखेंगे दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनाने के नियम, फिर प्रतिबिंब तमाम स्थितियों पर प्रतिबिंब कहां बनता है। आज हम इतनी चीजें सीखने का प्रयास करेंगे। अगर क्लासेस थोड़ी लंबी जाती है तो फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में संबंध और साथ साथ में दर्पण के सूत्र का भी हम लोग निगमन करेंगे। तो चलिए आज की क्लास को बिना आपके टाइम को गवाए हुए स्टार्ट कर लेते हैं। प्यारे बच्चों, लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले यदि आप चैनल पर नया आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करके दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए तो समझते हैं हम दर्पण क्या होता है। शुरुआत हम लोग मिरर से करेंगे, अर्थात दर्पण से। तो दर्पण होता क्या आप जानते हैं? दर्पण में एक आप पारदर्शी माध्यम ले लीजिए। अब आपके मन में प्रश्न उठा होगा कि सर जी पारदर्शी माध्यम क्या होता है? वह माध्यम जिन्हें प्रकाश पार कर जाता है वो पारदर्शी माध्यम कहलाता है। अब आप कहेंगे सर मैंने पारदर्शी माध्यम दिमाग में नहीं ध्यान दिया कि भाई होता कौन है। क्या आपने कांच देखा है? बिल्कुल, कांच आपने देखा होगा। तो कांच एक पारदर्शी माध्यम होता है, कांच एक पारदर्शी माध्यम होता है, वायु एक पारदर्शी माध्यम है। अब कांच हम लोगों ने एक ले लिया, किसी भी एक पारदर्शी माध्यम को, किसी भी एक पारदर्शी माध्यम को अगर आप क्या कर दीजिए, उसके एक पृष्ठ को कलई कर दीजिए, उसके एक पृष्ठ को कलई यानी लाल रंग का लेप लगा दीजिए, पेंट कर दीजिए, समझ रहे हैं? किसी भी एक पृष्ठ को आप कलई कर दीजिए, पॉलिश कर दीजिए, ध्यान से समझिएगा, पॉलिश कर देते हैं और दूसरे पृष्ठ को हम लोग क्या बना देते हैं, परावर्तक पृष्ठ। दूसरे पृष्ठ को हम लोग क्या बना देते हैं, परावर्तक पृष्ठ, यानी इससे प्रकाश पड़े तो प्रकाश लौट जाए। तो इस प्रकार का जो निकाय होता है इसे ही हम लोग मिरर कहते हैं, इसे ही हम लोग दर्पण कहते हैं। हमने क्या बताया, दर्पण क्या होता है, एक ऐसा पारदर्शी माध्यम जिसका एक पृष्ठ कलई किया गया हो या लाल रंग का लेप लगाया गया हो और दूसरा पृष्ठ परावर्तक हो, इसे हम दर्पण कहते हैं। क्या इतनी बातें आपको क्लियर हो रही होंगी प्यारे बच्चों? उम्मीद है कि आपको दर्पण समझ में आया होगा। अब आप सोच रहे होंगे कि जो लाल रंग का लेप लगाया जाता है वो किसका होता है? तो वो फेरस ऑक्साइड का होता है। किसका होता है प्यारे बच्चों? फेरस ऑक्साइड का होता है। जब हम शीशे को आप देखते होंगे, दर्पण को देखते होंगे, तो उस पर लेप किया जाता है। क्या किया जाता है? लेप किया जाता है, तो वही होता है। तो समझ में आया दर्पण क्या होता है? भैया जो दर्पण होता है वो दो प्रकार का होता है। दर्पण कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। एक तो होता है समतल दर्पण। कौन सा दर्पण? समतल दर्पण, जिसे आप प्लेन मिरर कह सकते हैं। और उसके बाद सेकेंड वाला होता है गोलीय दर्पण। कौन से दर्पण होते हैं? गोलीय दर्पण, ध्यान से देखिएगा। अब हम समझते हैं समतल दर्पण क्या होता है। अब समतल दर्पण क्या होता है? एक ऐसा दर्पण जिसका जो ये परावर्तक पृष्ठ है वो समतल हो। ये एक प्रकार का आप जो देख रहे हैं प्यारे बच्चों, ये समतल दर्पण का ही डायग्राम बना है। तो एक ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ, परावर्तक पृष्ठ क्या हो, समतल हो, वो कौन सा दर्पण कहलाता है? समतल दर्पण कहलाता है। क्या इतनी बातें क्लियर हो रही होंगी कि समतल दर्पण किसे कहते हैं? ऐसा कोई भी दर्पण हो और जिसका आप परावर्तक पृष्ठ अर्थात जिससे प्रकाश किरणें लौट रही हैं, वही कौन दर्पण, कौन सा दर्पण कहलाता है? समतल दर्पण कहलाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि हमने देखा नहीं, आपके घरों में जो आप लोग जिस दर्पण का उपयोग करते हैं वो अधिकतर समतल दर्पण होता है। आप देखते होंगे कि जब उसके सामने आप खड़े होते होंगे तो वो एक प्लेन आकार का दिखाई पड़ता है, एक समतल आकृति का दिखाई पड़ता है ना। तो ध्यान दीजिए कि वो कौन सा दर्पण है? समतल दर्पण है। क्या समतल दर्पण समझ में आया? अब हम बात करते हैं समतल दर्पण की खास बातें।
अब समतल दर्पण की जो खास बातें ये है कि समतल दर्पण की विशेषताएं क्या होती है। यदि हम कहें कि समतल दर्पण मान लें, ये कोई एक समतल दर्पण हो गया, आपके घर में ये एक समतल मिरर टंगा हुआ था किसी साल, ठीक। अब इस समतल दर्पण का खास बात यह होता है कि इसमें जो प्रतिबिंब बनता है, जो व्यक्ति का प्रतिबिंब दिखाई पड़ता है, आप देख रहे होंगे, तो जो व्यक्ति का इसमें प्रतिबिंब बनता है वो एक तो आभासी बनता है, प्यारे बच्चों क्या बनता है, आभासी बनता है, और साथ में सीधा बनता है। क्या बनता है? आभासी और सीधा बनता है। अर्थात आप देख रहे होंगे जब आप दर्पण के सामने खड़े होते हैं तो जो आपका प्रतिबिंब उस दर्पण में दिखाई पड़ता है, आपका जो प्रतिबिंब उस दर्पण में दिखाई पड़ता है, तो आप उस प्रतिबिंब को कह सकते हैं कि उस प्रतिबिंब को हम लोग जो है देख नहीं सकते, वो एक प्रकार की आपकी छाया दिखाई पड़ रही है। तो वो कौन सा दर्पण है? आभासी। या हम कह दें वो दर्पण, वो जो प्रतिबिंब है दर्पण के पीछे बन रहा है, वो प्रतिबिंब हमारा दर्पण के पीछे बन रहा, वास्तविक रूप से नहीं है वो, तो वो कौन सा होता है? आभासी होता है। साथ में क्या बनता है? सीधा प्रतिबिंब बनता है। क्या बनता है प्यारे बच्चों? सीधा, अर्थात जैसे आप दर्पण के सामने खड़े रहेंगे वैसे ही उसमें आप दिखाई पड़ते हैं। तो हम पहला इसकी प्रॉपर्टी बता सकते हैं कि इसमें जो बनने वाला प्रतिबिंब होता है आभासी और सीधा बनता है, सदैव के लिए आभासी और सीधा बनेगा, परंतु किसके लिए? सदैव बनता है, ये नहीं कि कभी जो सीधा उल्टा कुछ हो जाए, सदैव हमेशा आभासी सीधा बनेगा। अगर सेकेंड प्रॉपर्टी की चर्चा करें, सेकेंड प्रॉपर्टी की चर्चा करें समतल दर्पण का, तो समतल दर्पण की एक खास बात और होती है कि समतल दर्पण से आप जितनी दूर खड़े रहोगे समतल दर्पण में प्रतिबिंब उतनी दूर ही बनता है। मतलब अगर हम समतल दर्पण के सामने 2 मीटर की दूरी पे खड़े हैं तो समतल दर्पण में जो बनने वाला प्रतिबिंब है वो भी 2 मीटर की दूरी पर ही बनेगा। यदि हम 1 मीटर की दूरी पर आके खड़े हो गए तो बनने वाला प्रतिबिंब भी 1 मीटर पर ही बनेगा। तो प्यारे बच्चों ये इसकी अगली प्रॉपर्टी होती है कि समतल दर्पण के सामने जितनी दूरी पर वस्तु रहती है उतनी ही दूरी पर प्रतिबिंब भी दर्पण में बनता है। यह है इसकी दूसरी प्रॉपर्टी। अगर हम बात करें समतल दर्पण की तीसरी प्रॉपर्टी की, तो समतल दर्पण में जो बनने वाला प्रतिबिंब होता है वो सदैव वस्तु के आकार का ही बनता है। अर्थात जितना बड़ा वस्तु रहेगा उतना बड़ा समतल दर्पण में प्रतिबिंब बनता है। तो हम ये नेक्स्ट प्रॉपर्टी लिख देते हैं। अगली प्रॉपर्टी क्या है? समतल दर्पण में बनने वाला प्रतिबिंब सदैव वस्तु के आकार का बनता है, यह है आपका समतल दर्पण की कुछ खास बातें और तमाम प्रकार की विशेषताएं प्यारे बच्चों। परंतु आप यहां पर इंटर की दृष्टि से देख पा रहे होंगे तो समतल दर्पण की इतनी खास बातें जरूर आप जान गए हैं। अब और चीजें हैं, अगर आपको और इनके बारे में जानकारी लेना है तो आप कमेंट बॉक्स में प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिएगा कि सर आप समतल दर्पण के बारे में अलग से एक वीडियो बनाइए, तो मैं अलग से एक वीडियो प्रोवाइड करा सकता हूँ, ठीक। अब हम चलते हैं गोली दर्पण की बात करते हैं। तो भैया ये जो गोली दर्पण होता है, एक ऐसा दर्पण जिसका ये जो परावर्तक पृष्ठ है वो गोली हो तो वो कौन सा दर्पण कहलाता है? गोलीय दर्पण कहलाता है। हमने क्या बताया? एक ऐसा दर्पण जिसका जो सामने वाला पृष्ठ है, जिस पृष्ठ पे आपका फेस दिखाई पड़ता है, वो पृष्ठ अगर गोली हो तो उस दर्पण को गोलीय दर्पण कहते हैं। आप लोग बुलेट बुलेट आप देखे होंगे, बुलेट जो चलती होती थी पहले, उन बुलेटों में जो दर्पण होता था वो गोली दर्पण होता था, पहले जो बुलेट
टेम्पू देखेंगे, देखेंगे ना, तो उसमें जो कांच होता है, तो वो गाड़ी जो बुलेट होती वो होता है, जो सामने वाला उसका पृष्ठ होता है दर्पण का, वो क्या होता है, गोला होता है ना भाई, तो कौन सा दर्पण हो गया, गोली दर्पण हो गया। तो ये बात समझिएगा, यदि परावर्तक पृष्ठ समतल है तो समतल दर्पण होगा, यदि परावर्तक पृष्ठ गोली है तो गोलीय दर्पण होगा। क्या इतनी बातें आपको क्लियर हो रही है? अब ध्यान दीजिएगा, गोली दर्पण आपके दो प्रकार के होते हैं, एक होता है उत्तल दर्पण और एक होता है अवतल दर्पण। एक होता है उत्तल दर्पण और एक होता है अवतल दर्पण। चलिए अब हम चर्चा कर लेते हैं उत्तल दर्पण क्या होता है और अवतल दर्पण क्या होता है, थोड़ी सी बात करेंगे उसके बाद हम आगे की तरफ बढ़ेंगे। अब उत्तल दर्पण क्या होता है? उत्तल दर्पण भी एक गोलीय दर्पण है, अवतल दर्पण भी एक गोलीय दर्पण है, परंतु दोनों में खास बातें ये है कि इसका जो परावर्तक पृष्ठ होता है, इसका जो परावर्तक पृष्ठ होता है वो उभरा होता है। उत्तल दर्पण की जो परावर्तक पृष्ठ, अब आप बताइए परावर्तक पृष्ठ ये है, ये जो ये वाला भाग है, ये देखिए आप, थोड़ा सा हम आपको दिखाने के लिए हम लोग इसको अलग कर देते हैं यहां से लेके, तो ये वाला जो भाग है ये परावर्तक पृष्ठ है। कौन सा पृष्ठ प्यारे बच्चों? परावर्तक पृष्ठ। तो हमको ये बात पता होना चाहिए, एक ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ क्या हो, उभरा, ऊ से उत्तल होता है प्यारे बच्चों, और ऊ से उभरा होता है, इस बात को ध्यान देंगे, अगर जिसका परावर्तक पृष्ठ उभरा हो वो कौन सा दर्पण होगा, वो उत्तल दर्पण होगा और कोई दर्पण नहीं होने वाला। या दूसरे शब्दों में हम कहें कि एक ऐसा दर्पण जो अंदर की तरफ पॉलिश किया जाता है वो कौन सा दर्पण कहलाता है, वो कौन सा दर्पण कहलाता है, बोलो जरा सा, वो कौन सा दर्पण कहलाएगा, उत्तल दर्पण कहलाता है। एक बार फिर से, एक ऐसा गोली दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ उभरा हो या अंदर की तरफ क्या किया गया हो, पॉलिश किया गया हो, अंदर की तरफ क्या किया गया हो, पॉलिश किया गया हो, तो कौन सा दर्पण कहलाता है, उत्तल दर्पण कहलाता है। क्या इतनी बातें आपको समझ में आ रही होंगी प्यारे बच्चों? अब हम बातें करेंगे अवतल दर्पण की। तो यहां पर थोड़ा सा देखिएगा आप लोग को अवतल दर्पण क्या बताया जा रहा है। अवतल दर्पण क्या होता है कि जो बाहर से पॉलिश किया गया हो, जो बाहर से पॉलिश किया गया हो और जिसका जो परावर्तक पृष्ठ है, जिसका जो परावर्तक पृष्ठ है वो अंदर की तरफ हो, ये जो पृष्ठ है ये पृष्ठ आपका परावर्तक है। तो देखिए प्यारे बच्चों, ये परावर्तक पृष्ठ है ना, तो ये अंदर की तरफ है और पॉलिश किधर किया गया है, बाहर की तरफ किया गया है। तो एक ऐसा दर्पण जिस जो बाहर की तरफ से पॉलिश किया जाता है और परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर होता है, धसा होता है, अ से अवतल होता है और अ से अंदर होता है, अर्थात एक ऐसा गोली दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ अंदर की तरफ हो या बाहर की तरफ पॉलिश किया गया हो उसे हम अवतल दर्पण का नाम देते हैं। और उत्तल दर्पण क्या होता है? एक ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ बाहर की तरफ हो या अंदर की तरफ पॉलिश किया गया हो उसे हम उत्तल दर्पण का नाम देते हैं प्यारे बच्चों। या अगले वर्ड में बात करें, एक ऐसा दर्पण जिसमें प्रकाश का परावर्तन, जिसमें प्रकाश का परावर्तन उभरे हुए भागों से हो, उभरे हुए भागों से हो, जिसमें प्रकाश का परावर्तन उभरे हुए भागों से हो वो उत्तल दर्पण कहलाता है। और एक ऐसा दर्पण जिसमें प्रकाश का परावर्तन अंदर वाले पृष्ठ से हो, धसे वाले पृष्ठ से हो, वो अवतल दर्पण कहलाता है। उम्मीद है कि आपको दर्पण, गोली दर्पण, समतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण समझ में आया होगा प्यारे बच्चों। यदि कहीं भी कोई डाउट रह गया होगा तो कमेंट सेशन में प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिएगा, और यदि आपको समझ में आ गया है तो उन सभी बच्चों के पास एक बार इस वीडियो को आप जबरदस्त शेयर कर दीजिए, जिनको लगती है कि फिजिक्स वास्तव में हार्ड होती है प्यारे बच्चों, उनसे भी मुलाकात कराइए हम लोगों से। ठीक,
चलिए, तब तक आप इसका अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे की टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं। तो गाइज, आपकी जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है गोलीय दर्पण से संबंधित परिभाषाएं। अब यहां आप गोलीय दर्पण में जितने छोटे छोटे पदों का नाम हम लोग लेने वाले हैं, अब उनको हम लोग एक चित्र के माध्यम से समझेंगे। और आपको समझाने के लिए प्यारे बच्चों, हम लोगों ने पहले से ही कुछ रचनाएं बना ली है। वो रचनाएं बनाए हैं हमने कि जिनको आसानी से समझा जा सके। ठीक, अब हम इनमें से सबसे पहली टॉपिक की चर्चा करेंगे प्यारे बच्चों, कि अगर हमको इनमें अवतल और उत्तल दर्पण बनाना है तो कैसे बनाएंगे। तो प्यारे बच्चों, ये एक खोखला गोला है, ये कांच का दो ठो खोखला गोला आपने लिया है। अब इन कांच के खोखले गोले को दिखाने के लिए हम लोग इनको डॉट 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 से कर दें तो ये खोखले गोले को प्रतीत करने लगता है। क्या इतनी बात आपको क्लियर हो रही होंगी? क्लियर होनी चाहिए प्यारे बच्चे, ये तो बहुत बेसिक चीज है। ठीक, अब अगर हम उसी प्रकार से इसको भी डैश डैश कर दें, अगर इस दर्पण को हम बाहर से क्या कर दें भैया, पेंट कर दें, इस दर्पण को यदि हम बाहर से पेंट कर दें, बाहर से कलई कर दें, तो कौन सा दर्पण होगा प्यारे बच्चों? ये कौन सा दर्पण होगा? अवतल दर्पण होगा। आप तुरंत बोलेंगे कि सर जी ये कौन सा दर्पण है? अवतल दर्पण है। चलिए, इतनी बात तो क्लियर हो गई कि आप लोगों ने पहचान लिया कि कौन सा दर्पण है? अवतल दर्पण। यदि हम इसी दर्पण को अंदर की तरफ से पॉलिश करें, किसकी तरफ से भैया? अंदर की तरफ से पॉलिश करें, तो हमारे प्यारे बच्चों ये बताइए ये कौन सा दर्पण है? तो आप जरूर बता सकते हैं कि ये कौन सा दर्पण होने वाला है? उत्तल दर्पण। कौन सा दर्पण होने वाला है? उत्तल दर्पण होने वाला है। तो भैया इस दर्पण का नाम हो गया उत्तल दर्पण। कौन सा दर्पण? उत्तल दर्पण। क्या ये चीज क्लियर हुई? ये आपका उत्तल, ये आपका अवतल दर्पण। क्या इतनी बातें क्लियर हो रही होंगी प्यारे बच्चों? बिल्कुल। चलिए, तो अब हम समझेंगे। अगर आपको हमने बताया अभी पिछले चीजों में कि दर्पण में दो पृष्ठ होता है, एक पृष्ठ कलई किया जाता है और एक पृष्ठ आपका वो एक पृष्ठ कलई किया जाता है और एक होता है परावर्तक पृष्ठ। तो आज हम समझेंगे इनमें सबसे पहली टॉपिक आती है कि दर्पण का ध्रुव क्या होता है। सबसे पहली टॉपिक हम समझेंगे दर्पण का ध्रुव, जिसे हम लोग पोल से कहते हैं, POLE, और इसका जो संकेतिक चिन्ह होता है वो पी होता है प्यारे बच्चों। अब दर्पण का जो ध्रुव होता है वो क्या होता है, ध्यान से देखिएगा। चाहे वो आपका अवतल दर्पण हो, चाहे वो आपका उत्तल दर्पण हो, तो किसी भी दर्पण के परावर्तक पृष्ठ का जो मध्य बिंदु होता है, परावर्तक पृष्ठ का जो मध्य बिंदु होता है, वही दर्पण का क्या कहलाता है? ध्रुव कहलाता है। चाहे वो उत्तल हो, चाहे वो क्या हो, अवतल हो। तो हम यहां से बता सकते हैं कि किसी भी दर्पण के परावर्तक पृष्ठ का जो मध्य बिंदु होगा वो दर्पण का ध्रुव कहलाएगा, जिसे हम पी से व्यक्त करते हैं। तो क्या हम यहां पर दर्पण के ध्रुव को यहां पर लिख सकते हैं? यहां पर लिखेंगे कि किसी भी दर्पण के क्या, किसी भी दर्पण के परावर्तक पृष्ठ का, किसी भी दर्पण के परावर्तक पृष्ठ का मध्य बिंदु, परावर्तक पृष्ठ का मध्य बिंदु ही दर्पण का ध्रुव कहलाता है। मध्य बिंदु दर्पण का ध्रुव कहलाता है। क्या इतनी बातें आपको क्लियर हो रही होंगी? दर्पण का ध्रुव कहलाता है। चलिए, अब आपको जब ये बातें क्लियर हो गई तो अब हम नेक्स्ट की चर्चा करते हैं, जिसे हम कहते हैं वक्रता केंद्र। अब हमारी नेक्स्ट लिस्ट में आएगी वो होता है वक्रता केंद्र। अब हम जानेंगे कि वक्रता केंद्र क्या होता है। आइए हम देखते हैं वक्रता केंद्र की शुरुआत करते हैं। जिसे गाइस,
जो हमारी दूसरी टॉपिक है वो है आपका वक्रता केंद्र, और पहली टॉपिक थी आपकी दर्पण का ध्रुव, दूसरी टॉपिक है वक्रता केंद्र। अब हम देखेंगे कि वक्रता केंद्र क्या होता, पहले देख लेते हैं तब समझ लेते हैं, फिर लिखने की पारी बाद में आएगी प्यारे बच्चों, तब लिखेंगे। आइए हम समझते हैं वक्रता केंद्र क्या होता है। एज ए एग्जाम्पल बताओ कि जब आप प्रकार रखकर किसी गोले का निर्माण करते हो तो किसी एक बिंदु को केंद्र मानते हो ना, उसी प्रकार इस बिंदु को हम केंद्र मानकर एक दर्पण का क्या, एक एक गोले का रचना किए हैं प्यारे बच्चों। उसी प्रकार इस बिंदु को केंद्र मानकर एक गोले का हम लोगों ने क्या कर दिया है, निर्माण किया है। तो एक बात आपको बताएं, ये अवतल दर्पण इस गोले खोखले का भाग है, और ये उत्तल दर्पण इस खोखले गोले का भाग है। तो जरा सा सुनो, अब यही जो केंद्र है, यही केंद्र क्या कहलाएगी, वक्रता केंद्र कहलाएगी। क्या अब आप सोच रहे होंगे ये कैसे हो गया भाई, ये कैसे हुआ कि ये गोली दर्पण चाहे अवतल हो चाहे उत्तल हो, वो जिस गोले का भाग होता है, जिस गोले से बना रहेगा, उसी गोले का जो केंद्र होगा वही दर्पण का क्या कहलाता, वक्रता केंद्र कहलाता है। क्या इतनी बातें क्लियर हो रही है? देखिए फिर से एक बार बता रहा हूं, गोलीय दर्पण चाहे अवतल हो चाहे उत्तल हो, गोली दर्पण में दोनों दर्पण आएंगे, अवतल दर्पण भी आएगा उत्तल दर्पण भी आएगा। तो गोली दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है या जिस खोखले गोले को काटकर बनाया जाता है, उस वही गोले का केंद्र ही उस दर्पण का वक्रता केंद्र कहलाता है। क्या इतनी बातें क्लियर हो रही होंगी प्यारे बच्चों? तो यहां पर आपको वक्रता केंद्र की परिभाषा लिखी लिखान स्क्रीन पे दिखाई पड़ रहा होगा, या आप वहां से नोट कर लीजिए यदि आपको समझ में आ गया तो, और अच्छी बात है प्यारे बच्चों। अब वक्रता केंद्र को व्यक्त किससे करते हैं प्यारे बच्चों? सी से। किससे व्यक्त करते हैं? सी से। ठीक, अब हम चर्चा करेंगे थर्ड टॉपिक की, वक्रता त्रिज्या। थर्ड टॉपिक क्या है हमारी? वक्रता त्रिज्या की चर्चा करेंगे। तीसरी टॉपिक कौन सी है? वक्रता त्रिज्या। आइए हम देखते हैं कि वक्रता त्रिज्या क्या होता है, पहले समझेंगे फिर बाद में देखा जाएगा कि लिखना है या नहीं लिखना है, जब समझ में आ गया तो काही का लिखने का। वक्रता त्रिज्या गाइस, अगर हम बात करें वक्रता त्रिज्या को कैपिटल आर और स्मॉल आर दोनों से दिखाते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, तो वक्रता त्रिज्या को कैपिटल आर से व्यक्त करते हैं। किससे व्यक्त करते हैं? कैपिटल आर से व्यक्त करते हैं। आइए मैं आपको दिखाता हूं कि वक्रता त्रिज्या क्या होती है, ध्यान से देखिएगा। सबसे छोटी सबसे अच्छी वाली चीज ये होती है, ये देखो भैया, आपने सी और पी को मिला दिए, सी और पी को मिला दिए, चलो इधर भी सी और पी को मिला दो, तो आप ये क्या कहलाएगी, ये वाली लाइन अगर मैं बोलूं वक्रता त्रिज्या कहलाएगी, तो आप बिल्कुल मान लो भैया यहां से लेके यहां तक की जो दूरी है वो दूरी क्या कहलाने वाली है, वक्रता त्रिज्या कहलाने वाली, चाहे वो अवतल की हो चाहे वो उत्तल की हो। तो आप अब आप क्या इसको बताना चाहेंगे कि वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की दूरी, वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की दूरी वक्रता त्रिज्या कहलाती है। इसे हम किससे व्यक्त करते हैं भैया? आर से व्यक्त करते हैं। वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की दूरी, वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की दूरी दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहलाती है, इसे हम कैपिटल आर से डिनोट करते हैं। क्या इतनी बातें क्लियर हो रही होगी? तो भाई आपको यह भी परिभाषा यहां पर लिखा हुआ दिखाई पड़ रहा होगा। अगर हम सेकंड डिफिनीशन की चर्चा करें, दूसरे भाषाओं में भी डिफिनीशन आप इसे बता सकते हैं, कैसे बता सकते हैं सोचिए। गोली दर्पण जिस गोले का भाग होता है, जैसे आपने वक्रता केंद्र को परिभाषित किया था, गोली दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है उसी खोखले गोले की त्रिज्या ही दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहलाती है, यानी यही त्रिज्या दर्पण की गोले की भी त्रिज्या होगी और यही त्रिज्या दर्पण की भी वक्रता त्रिज्या कहलाती है। तो आप इसको भी समझ सकते हैं प्यारे बच्चों, अर्थात गोली दर्पण जिस गोले का भाग होगा उसी गोले की त्रिज्या ही दर्पण की क्या कहलाएगी, वक्रता त्रिज्या कहलाएगी। क्या इतनी बातें आपको क्लियर हो रही होंगी प्यारे बच्चों? बिल्कुल। अब हम
चौथे पोर्शन की चर्चा करेंगे। इसके चौथे भाग का क्या है, वो चौथा भाग है आपका मुख्य फोकस। चौथा भाग क्या है, मुख्य फोकस। आइए अब हम देखते हैं मुख्य फोकस क्या होता है। उससे पहले पहले बच्चों मुख्य फोकस को जानने से पहले थोड़ी सी एक छोटी सी हेडिंग और हम जान लेते हैं, बस उसके बाद आ जाएंगे मुख्य फोकस पे। उससे पहले हम थोड़ा सा जान लेते हैं दर्पण का द्वारक क्या होता है। दर्पण का द्वारक, दर्पण का द्वारक। तो चलिए दर्पण का अगर द्वारक के बारे में हम चर्चा करें तो दर्पण का द्वारक जो होता है वो दर्पण के व्यास ही, दर्पण का व्यास ही दर्पण का क्या कहलाता है, द्वारक कहलाता है। थोड़ा सा अगर आप चित्र सही से बनाएंगे तो ये देखिए ये यहां तक आना चाहिए। तो ये ध्यान से देखिए इस दर्पण का जो द्वारक है प्यारे बच्चों वो ए और कौन है, बी है। उसी प्रकार इस दर्पण का जो द्वारक हो जाएगा वो भी कौन हो जाएगा, ए और बी। तो ध्यान से देखिएगा ये ए हो गया ये बी। तो जो दर्पण का द्वारक होता है वो क्या होता है कि दर्पण का व्यास ही, दर्पण का व्यास ही दर्पण का क्या कहलाता है, द्वारक कहलाता है। इसे आप डायमीटर से यानी हम कह दें कि दर्पण के व्यास को भी हम लोग क्या कह सकते हैं, दर्पण के व्यास को भी हम लोग दर्पण का द्वारक कहते हैं। और दर्पण का जितना बड़ा द्वारक रहेगा उतना ज्यादा वो अच्छा सा दर्पण माना जाता है, उतना ज्यादा उस दर्पण की शक्ति होती है। तो आप इसको इस प्रकार परिभाषित कर सकते हैं। अब हम नेक्स्ट हेडिंग की चर्चा करेंगे मुख्य फोकस की। किसकी चर्चा करेंगे प्यारे बच्चों, मुख्य फोकस की। चलिए ये पांचवा पोर्शन होगा यानी पांचवा परिभाषा क्या होगा, मुख्य फोकस। मुख्य फोकस को हम लोग कैपिटल एफ से निरूपित करते हैं। किससे निरूपित करते हैं, कैपिटल एफ से। अब मुख्य फोकस होता क्या है आखिर, उसको समझने के लिए प्यारे बच्चों हम लोग इस चित्र के आधे भाग को मूव कर लेंगे तो और अच्छे से हम लोग समझ पाएंगे। चलिए प्यारे बच्चों मुख्य फोकस को समझने के लिए हम लोगों ने दर्पण तैयार कर लिया। एक अवतल दर्पण है, एक क्या है, उत्तल दर्पण है। आइए दोनों को हम लोग समझते हैं। सबसे पहले क्या होता है, इधर देखिएगा। अगर प्यारे बच्चों इस रेखा को, ये जो वक्रता केंद्र और ध्रुव को मिलाने वाली रेखा है, इसको हम लोग थोड़ी सी और बढ़ा दें, इसको थोड़ी सी अगर हम और इसे बढ़ा दें, इसे हम क्या नाम देते हैं, मुख्य अक्ष का नाम देते हैं। ये हम लोगों से भूल हो रही थी, छूट हो रही थी प्यारे बच्चों, इसका नाम हम लोग भूल गए थे। मुख्य अक्ष क्या होता है, मुख्य अक्ष वो होता है दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा को यदि हम आगे की तरफ बढ़ा दें तो वो रेखा मुख्य अक्ष कहलाती है। तो आपको यहीं पर मुख्य अक्ष भी ध्यान देना है। दर्पण के ध्रुव के बाद, दर्पण के ध्रुव के बाद ही आपको मुख्य फोकस भी ध्यान दे, मुख्य अक्ष भी ध्यान देना है प्यारे बच्चों कि ये कौन सी रेखा होती है, ये रेखा मुख्य अक्ष होती है। तो हम कैसे इसको परिभाषित करेंगे मुख्य अक्ष की, तो वक्रता केंद्र और ध्रुव को मिलाने वाली रेखा, वक्रता केंद्र और ध्रुव को मिलाने वाली रेखा को आगे की तरफ बढ़ा दे तो वो रेखा मुख्य अक्ष कहलाती है। अब उसी प्रकार प्यारे बच्चों हम लोग इसको भी बढ़ा देंगे, इसको भी हम लोग क्या कर देंगे, बढ़ा देंगे। तो चलिए इसको भी हम लोग इंक्रीज कर देते हैं जो बढ़ाए हैं। चलिए ये इसका काम तो हो चुका है ना लगभग, हम इसको हटा लेते हैं थोड़ा सा, ठीक ये हो गया, इसको बढ़ा लेते हैं। उसी प्रकार प्यारे बच्चों इसको भी हम लोगों ने बढ़ाया तो इसको भी दिखा रहे हैं। तो जो बढ़ी हुई रेखा होगी वो क्या कहलाती, मुख्य अक्ष कहलाती। अब ध्यान से समझो, अब हम समझने वाले हैं मुख्य फोकस को, अब समझेंगे मुख्य फोकस को। तो मुख्य फोकस को समझने के लिए प्यारे बच्चों आप एक प्रकाश किरण आपतित करा दिए, दूसरी प्रकाश किरण आपने आपतित करा, ये थर्ड वाली प्रकाश किरण आपतित करा दिए, और एकाक आपतित कराना, चौथी आपतित करा दीजिए। अब ये देख पा रहे होंगे कि चारों प्रकाश किरण जो रेड वाले से दिखाई पड़ रहे हैं, चारों प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर गई है। अर्थात जैसे ये मुख्य अक्ष गई है उसी प्रकार से ये चारों किरणें दर्पण पे पड़ रही हैं। यानी हम ये कह सकते हैं कि मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें
दर्पण से टकराने के पश्चात, दर्पण से टकराने के पश्चात जिस बिंदु पे जाकर मिलती है, जिस बिंदु पे जाकर मिलती है वही बिंदु दर्पण का मुख्य फोकस कहलाता है। वही बिंदु दर्पण का क्या कहलाता है? मुख्य फोकस कहलाता है। प्यारे बच्चों एक बार फिर से समझिएगा, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें दर्पण से टकराने के पश्चात जिस बिंदु पे आके मिल जाएंगी वही बिंदु दर्पण का मुख्य फोकस कहलाता है। क्या इतनी बातें आपको क्लियर हो रही होंगी प्यारे बच्चों? आइए यही चीज उत्तल दर्पण में समझेंगे। उत्तल दर्पण में प्रकाश का परावर्तन बाहर वाले भाग से होता है। ये एक प्रकाश किरण गई और ये एक प्रकाश किरण गई, ठीक प्यारे बच्चों। उत्तल दर्पण प्रकाश को तो इधर पार करने नहीं देगा, इधर ही लौटा देगा, प्रकाश का परावर्तन इधर कर देगा और ये प्रकाश का परावर्तन इधर कर देगा। परंतु यदि परावर्तित किरण को हम पीछे की तरफ बढ़ाएंगे, परावर्तित किरण को पीछे की तरफ क्या करेंगे? बढ़ाएंगे। परावर्तित किरण को पीछे की तरफ बढ़ाएंगे तो ये जहां एक दूसरे को काटती हैं वही बिंदु उत्तल दर्पण का मुख्य फोकस कहलाता है। एक बार फिर से आप समझिएगा जरा सा कि मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें दर्पण से टकराने के पश्चात जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है, प्यारे बच्चों ये देखिए यहां आ रही है, आप यहां से जब इन प्रकाश किरणों को देखोगे, आप यहां से खड़े होकर जब इन प्रकाश किरणों को देखोगे तो लगेगा कि ये प्रकाश किरणें इस बिंदु से आ रही हैं, ये वाली प्रकाश किरणें इस बिंदु से आ रही हैं, तो हम इस बिंदु को मुख्य फोकस का नाम देते हैं। तो एक बार फिर से हम आपको समझा रहे हैं, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरणें, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें दर्पण से टकराने के पश्चात जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है उस बिंदु को हम उत्तल दर्पण का मुख्य फोकस कहते हैं, और जिस बिंदु से जाती है जिस बिंदु पे जाके मिल जाती है वो बिंदु को हम कहते हैं अवतल दर्पण का मुख्य फोकस। क्या इतनी बातें आपकी मक्खन हो रही होंगी? तो प्यारे बच्चों ये परिभाषा आपको यहां पर लिखा हुआ दिखाई पड़ रहा होगा कि मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें दर्पण से टकराने के पश्चात जिस बिंदु पे जाके मिल जाती है या मिलती हुई प्रतीत होती है उसे हम अवतल दर्पण का मुख्य फोकस या उत्तल दर्पण का मुख्य फोकस कहते हैं। अब हम नेक्स्ट हेडिंग की चर्चा करेंगे, वो नेक्स्ट हेडिंग है फोकस दूरी। कौन सी हेडिंग है? फोकस दूरी। कौन सी हेडिंग है प्यारे बच्चों? फोकस दूरी। तो चलिए हम लोग अब अध्ययन कर लेते हैं फोकस दूरी क्या होता है, ध्यान से देखिएगा। तो फोकस दूरी क्या होता है? ये मुख्य फोकस है, ये ध्रुव है, यहां से लेके यहां तक की जो दूरी होगी प्यारे बच्चों वो फोकस दूरी होगी। मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच की दूरी, मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच की दूरी फोकस दूरी कहलाती है। इसे हम स्मॉल एफ से व्यक्त करते हैं। किससे व्यक्त करते हैं प्यारे बच्चों? स्मॉल एफ से व्यक्त करते हैं। एक बात फिर से मैं आपको बता देना चाहता हूं कि मुख्य फोकस और ध्रुव के जो बीच की दूरी होगी F और P को मिलाने वाली रेखा, यहां से लेके यहां तक की दूरी, यहां से लेके यहां तक की दूरी फोकस दूरी कहलाती है। प्यारे बच्चों अभी आप आगे चिन्ह परिपाटी पढ़ोगे तो वहां मैं बताऊंगा कि जो उत्तल दर्पण की फोकस दूरी होती है, उत्तल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है प्यारे बच्चों? वो आपकी धनात्मक होती है, और जो है अवतल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है वो आपकी क्या होती है? ऋणात्मक होती है। क्या इतनी बातें आपको क्लियर हो रही होंगी? एक बार मैं आपसे फिर पूछना चाह रहा हूं कि भाई उत्तल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है? धनात्मक होती है, और अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है? ऋणात्मक होती है। तो ये आप लिखना चाहें तो जरूर लिख लेंगे कि अवतल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है, अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। क्या होती है? फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। अब क्यों होती है प्यारे बच्चों? चिन्ह परिपाटी आगे पढ़ाएंगे तो आपका क्लियर हो जाएगा। और उत्तल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है? धनात्मक होती है।
ये हो गया। अब आपका केवल एक डिफिनेशन बचता है प्यारे बच्चों इनसे, वो है फोकस तल। वो क्या है? फोकस तल। आइए अब चर्चा करते हैं फोकस तल की क्या होती है। आप देख पा रहे होंगे मुख्य फोकस, देख रहे हैं ना, तो मुख्य फोकस पे खींचा गया तल, मुख्य फोकस पर खींचा गया तल क्या कहलाता है? फोकस तल कहलाता है। मुख्य फोकस पे मुख्य अक्ष के लंबवत खींचा गया तल, एक बार फिर से, मुख्य फोकस पर मुख्य अक्ष के, देखिए ये लाइन आपकी मुख्य अक्ष है और ये इसके क्या है? लंबवत है। ये वाली जो लाइन आपने खींचा है, ये वाली लाइन मुख्य अक्ष के क्या है? लंबवत है। तो मुख्य अक्ष के लंबवत मुख्य फोकस पे खींचा गया तल ही फोकस तल कहलाता है। तो प्यारे बच्चों फोकस तल की भी परिभाषा आपको स्क्रीन पे दिखाई पड़ रहा होगा। उम्मीद है कि आपको दर्पण से संबंधित जितने पद थे मैंने आपको पूर्ण रूप से बता दिया है और आपको पूर्ण रूप से समझ में भी आया होगा। प्यारे बच्चों यदि कहीं भी डाउट हो तो थोड़ा सा आप फिर से वीडियो को जरूर देखिएगा और उसके बाद अगर न क्लियर हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा। आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते ले सकते हैं, फिर हम आगे की टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं। तो गाइस जो नेक्स्ट टॉपिक हमारी है वो है गोली दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनाने का नियम। और उसमें आज हम लोग दो कॉलम इसलिए अलग करके रखा है कि एक कॉलम में हम लोग देखेंगे कि अवतल दर्पण द्वारा वो प्रतिबिंब की बनाने का नियम कैसे होता है। दोनों के नियम एक ही है, केवल आपको समझना थोड़ा सा अलग अलग है। और एक उत्तल दर्पण, प्रथम नियम हम लोग समझेंगे। प्रथम नियम क्या होता है? प्रथम नियम ये होता है प्यारे बच्चों कि अगर पहले हम लोग क्या बना लेते हैं, एक अवतल दर्पण बना लेते हैं, क्या यहां पर एक अवतल दर्पण का निर्माण कर देते हैं और ये लाइन उसकी मुख्य अक्ष कहलाएगी, यहां पर ध्रुव होता है और यहीं कहीं वक्रता केंद्र हो जाए इसका और यहां लाइन जो होगी वो लाइन मुख्य फोकस होगी। ठीक, बना लिए। अब इधर की तरफ एक उत्तल दर्पण बना देते हैं। क्या बना देते हैं प्यारे बच्चों? एक उत्तल दर्पण बनाते हैं जिसको हम लोग अंदर की तरफ से पॉलिश कर दें तो भाई ये उत्तल दर्पण हो गया। ठीक, और ये इसकी ध्रुव हो गई, ये इसकी क्या हो जाएगी? वक्रता केंद्र हो जाएगी और ये लाइन मुख्य फोकस होगी। क्या इतनी बात आपको क्लियर हो रही है? ठीक, इतनी बातें तो आपको कहीं भी दिक्कत ही नहीं होना चाहिए। अब जो प्रथम नियम है वो प्रथम नियम ये है, सुनिए जरा सा। यदि प्रकाश किरणें मुख्य अक्ष के समांतर जा रही हैं, यदि प्रकाश किरणें मुख्य अक्ष के समांतर जा रही हैं, एक बार फिर से, यदि प्रकाश किरणें मुख्य अक्ष के समांतर जा रही हैं और वो दर्पण से टकराएंगी तो टकराने के बाद तो लौटेंगी परंतु वो मुख्य फोकस से होकर लौटेगी। यही नियम है पहला प्यारे बच्चों, और इसी के सहारे आप प्रतिबिंब बना लोगे। यही है पहला नियम, ध्यान से देखिएगा। हमने क्या बताया कि मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश किरणें जो ही दर्पण से टकराती है त्यों दर्पण से लौटने के पश्चात वक्रता केंद्र से होकर नहीं जाएगी, यहां से होकर नहीं जाएगी, यहां से होकर नहीं जाएगी, कहां से होकर जाएगी? मुख्य फोकस से होकर जाती है। ये अवतल दर्पण के लिए होता है। अगर हम बात करें उत्तल दर्पण के लिए तो चलिए देखते हैं उत्तल दर्पण के लिए क्या होता है। ये हो गई मुख्य अक्ष के समांतर आती हुई प्रकाश किरण, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरण, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरण जब उत्तल दर्पण से टकराती है, उत्तल दर्पण से टकराती है तो उत्तल दर्पण उनको उधर लौटा देता है। परंतु अगर हम इनको पीछे की तरफ क्या कर दे, बढ़ा दे, पीछे की तरफ क्या कर दे, बढ़ा दे, तो ये नियम होता है कि भैया क्या हो गई, ये इधर हो गई। देखिए तो इसके लिए क्या होगा, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें दर्पण से टकराने के पश्चात मुख्य फोकस से आती हुई प्रतीत होती है। ऐसा अगर आपका आंख यहां पर होता प्यारे बच्चों तो आप इस प्रकाश किरण को देखते तो आपको लगता कि ये प्रकाश किरणें यहां से नहीं आ रही बल्कि ये यहां से आ रही। क्यों? क्योंकि प्रकाश किरणें सीधी रेखा में चलती है तो आपको लगेगा कि ये प्रकाश किरणें कहीं इधर से आ रही, हो रहा है ना। तो ध्यान से प्रथम नियम यहां पर क्या लागू हो रहा है उत्तल दर्पण के लिए, भैया मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें दर्पण से टकराने के पश्चात मुख्य फोकस से आती हुई प्रतीत होती, ये उत्तल के लिए है।
और अवतल के लिए क्या होता है, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरण जो ही दर्पण से टकराती है वो मुख्य फोकस से होकर लौट जाती है। ये है आपका प्रथम नियम प्यारे बच्चों। अब हम चर्चा करेंगे द्वितीय नियम की। किसकी बात करेंगे प्यारे बच्चों? द्वितीय नियम की। आइए अब द्वितीय नियम क्या होता है उसको समझने के लिए प्यारे बच्चों हम एक अवतल दर्पण फिर से बनाते हैं। देखिएगा ये आपका अवतल दर्पण हो गया, बाहर से पॉलिश हो गया और ये इसकी मुख्य अक्ष हो गई, ये इसका ध्रुव हो गया और ये इसकी क्या हो गई, वक्रता केंद्र हो गई। ये इसकी क्या हो गई, वक्रता केंद्र हो गई। थोड़ा सा दर्पण को बढ़ा लीजिए। ये इसकी क्या हो गई, वक्रता केंद्र हो गई और ये जो हो गई इसकी क्या हुई, मुख्य फोकस हो गई। ठीक। अब ऐसे ही आप सेम टू सेम एक उत्तल दर्पण बनाइए। आप उत्तल दर्पण को आप अंदर की तरफ से कलई कर दीजिए। ठीक। और उसके बाद एक मुख्य अक्ष बनाइए, ये ध्रुव बनाइएगा और ये वक्रता केंद्र बनाइए, ये मुख्य फोकस बनाइए। चलिए समझते हैं हम लोग दूसरे नियम को क्या कहता है। दूसरा नियम आपसे ये कहता है कि यदि प्रकाश किरण कहां से होके जाए, वक्रता केंद्र से होकर जाए। कहां से होकर जाए, वक्रता केंद्र से होकर जाए। यदि प्रकाश किरण वक्रता केंद्र से होकर जाती है तो दर्पण से टकराने के पश्चात जिस मार्ग से गई रहती है प्यारे बच्चों उसी मार्ग से वापस लौट आती है। यही है दूसरा नियम। एक बार फिर से, यदि प्रकाश किरण अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र से होकर गुजरे तो जिस मार्ग से जाएंगी उसी मार्ग से वापस लौट आएंगी। यही है दूसरा नियम। अगर हम ये उत्तल दर्पण के लिए लगाएं तो उत्तल दर्पण के लिए क्या होता है कि जब कोई जो प्रकाश किरणें हैं प्यारे बच्चों, ये देखिए, जब कोई प्रकाश किरण वक्रता केंद्र की ओर जाती हुई प्रतीत हो, जब कोई प्रकाश किरण वक्रता केंद्र की ओर जाती हुई क्या हो, प्रतीत हो, लग रहा है कि ये प्रकाश किरण वक्रता केंद्र की ओर जा रही है तो ये दर्पण से जैसे ही टकराएंगी वैसे ही उसी मार्ग में वापस क्या हो जाएंगी, लौट जाएंगी। यही है उत्तल दर्पण के लिए द्वितीय नियम। एक बार फिर से, जब कोई प्रकाश किरण उत्तल दर्पण के वक्रता केंद्र की ओर जाती हुई प्रतीत होती है तो दर्पण से टकराने के पश्चात जिस बिंदु से जिस मार्ग से आई रहती है उसी मार्ग में वापस लौट जाती है। ये उत्तल दर्पण के लिए द्वितीय नियम है, ये अवतल दर्पण के लिए द्वितीय नियम है प्यारे बच्चों। तो गाइस तृतीय नियम समझने के लिए हम लोग सबसे पहले क्या बना लेते हैं, तृतीय नियम को समझने के लिए एक अवतल दर्पण बनाएंगे और एक क्या बनाएंगे, उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण वो होता है जिसको हम बाहर से एकदम चिकना चुपड़ा पॉलिश कर दे तो वो अवतल दर्पण हो जाएगा। और ये इसकी मुख्य अक्ष हो गई, ये इसकी ध्रुव हो गई, ये इसकी मुख्य फोकस हो गई और ये इसकी क्या हो गई, वक्रता केंद्र हो गई। ठीक। सेम टू सेम हम लोग इधर भी बनाते हैं, एक उत्तल दर्पण बनाते हैं जिसको हम लोग अंदर से क्या कर देते हैं, पॉलिश यानी पेंट कर देते हैं और उसके बाद एक मुख्य अक्ष बना लेते हैं। ये इसकी ध्रुव हो गई, ये इसकी मुख्य फोकस हो गई और ये इसकी वक्रता केंद्र हो गई। चलिए अब समझते हैं भैया, यदि प्रकाश किरण कहां से होकर जाए, मुख्य फोकस से होकर जाए। यदि प्रकाश किरण अवतल दर्पण के मुख्य फोकस से होकर जाती है, यदि प्रकाश किरण अवतल दर्पण के मुख्य फोकस से होकर जाती है तो ये दर्पण से टकराने के पश्चात मुख्य अक्ष के क्या हो जाती है, समांतर हो जाती है। यही है अवतल दर्पण के लिए तृतीय नियम। ध्यान से देखिए, यदि प्रकाश किरण यफ से होकर जाए, यफ मतलब मुख्य फोकस, दर्पण की मुख्य फोकस से होकर गुजरेंगी तो दर्पण से टकराएंगी और लौटेंगी कहां से, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएंगी। क्या हो जाएंगी, मुख्य अक्ष के समांतर। इसका नियम यह है कि यदि प्रकाश किरण अवतल दर्पण के मुख्य फोकस से होकर गुजरती है तो प्रकाश किरण दर्पण से टकराने के पश्चात मुख्य अक्ष के क्या हो जाती है, समांतर हो जाती। और यही अगर हम उत्तल के लिए लगाए तो क्या होगा, उत्तल के लिए नियम इस प्रकार हो जाएगा प्यारे बच्चों, इस प्रकार उत्तल के लिए नियम हो जाएगा। देखिए, यदि प्रकाश किरण
मुख्य फोकस की ओर जाती हुई प्रतीत हो, वास्तव में जा नहीं रही है। ऐसा लग रहा है कि ये प्रकाश किरणें उत्तल दर्पण के मुख्य फोकस की ओर जा रही है, जा रही है, जा नहीं रही, जा रही है। तो जाती हुई प्रतीत हो तो दर्पण से टकराने के पश्चात ये मुख्य अक्ष के क्या हो जाएंगी, समांतर हो जाएंगी। एक बार फिर से मैं आपको बता देना चाह रहा हूं कि यदि प्रकाश किरण दर्पण के मुख्य फोकस से होते हुए या मुख्य फोकस से जाती हुई प्रतीत हो, यदि प्रकाश किरण मुख्य फोकस से जाती हुई प्रतीत हो तो दर्पण से टकराने के पश्चात मुख्य अक्ष के क्या हो जाती है, समांतर हो जाती है। यही है प्यारे बच्चों तृतीय नियम, इसको समझा दिया प्यारे बच्चों। यदि कहीं भी डाउट हो तो कमेंट सेशन में प्यारा सा कमेंट जरूर छोड़िएगा। आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। आई होप कि आज की लेक्चर, आज की वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी प्यारे बच्चों। जो बची हुई क्लासेस हैं हम उनको नेक्स्ट वीडियो में चर्चा कर लेंगे प्यारे बच्चों। तब तक के लिए आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा, और जो चीजें नहीं समझ में आई होगी उसके लिए भी आप कमेंट कीजिएगा प्यारे बच्चों। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए वीडियो देखिए और एंजॉय कीजिए। आप लोग अपना प्यार और सपोर्ट इसी प्रकार बना के रखिएगा। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू ऑल डियर स्टूडेंट।